नमस्कार मित्रों, औषधि ज्ञान के इस नवीन एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे जीरा के बारे में। जिनाति भुक्तम परिणमयति जयावयो हानौ, जो खाए हुए को शीघ्र पचाती है। कृष्ण जीर सुगंधश्च तथैवो गारशोधनः, काला जाजी तो सुषवी, कालिका चोपकालिका, पृथ्विकाकार वी पृथ्वी, पृथु कृष्णोपकुंचिका, उपकुंची च कुंची च, बृहज्जीरक इत्यपि। सफेद जीरा, स्याह जीरा तथा कलौंजी के नाम तथा गुण, उसमें से जीरक, जरण, अजाजी, कणा और दीर्घ जीरक, ये सब सफेद जीरे के नाम हैं। जीरा से सर्व प्रसिद्ध मसाले के रूप में हम सब परिचित हैं। आसाम और बंगाल के सिवा प्रायः सब प्रांतों में, विशेषकर राजपूताना और उत्तर भारत के कई प्रांतों में इसकी खेती की जाती है। यह खेत में प्रतिवर्ष बोया जाता है। इस क्षुप जाति की वनस्पति की शाखाएं पतली होती हैं, पत्ते सौंफ के पत्तों के समान पतले पतले लंबे तथा दो तीन एक साथ रहते हैं। बारीक सफेद फूलों के छत्ते लगते हैं। फल सौंफ के समान होता है। यह 4-5 मिलीमीटर लंबा काले जीरे की अपेक्षा सीधा होता है। जीरे में एक सुगंधित उड़नशील तथा हल्के पीले रंग का तेल 2.5 से 4% तक पाया जाता है। इस तेल में क्यूमिक ऑल्डिहाइड की मात्रा 52% तक होती है, जिसके अंदर कई रासायनिक पदार्थ होते हैं। इस तेल को कृत्रिम रूप से थाइमोल में परिवर्तित किया जा सकता है, जो अच्छा प्रतिदूषक और कृमिघन पदार्थ है। इसके अतिरिक्त इसमें स्थिर तेल 10% एवं पेंटोसान 6.7% होता है। हिंदी में जीरा को सादा जीरा, साधारण जीरा, सफेद जीरा कहते हैं। बंगाली में सादा जीरे, जीरे, मराठी में जीरे, पांढरे जीरे, में जीरू, शाकनू जीरू, साधु जीरू, धोलू जीरू और अंग्रेजी में क्यूमिन सीड कहते हैं। यह पाचक, वातानुलोमक, मूत्र विरजनीय, वेदनाहर, उत्तेजक एवं संग्राही है। इसका उपयोग वमन, अतिसार, कुपचन, अधमान, ज्वर तथा मूत्र जननेन्द्रिय संस्थान के रोग जैसे सुजाक, पथरी एवं मूत्र विरोध में किया जाता है। बालकों के पाचन के विकारों में यह अधिक उपयोगी है। ज्वर में पाचन सुधार कर भूख बढ़ाता है, पेशाब साफ आता है और दाह शांति होती है। ज्वर में गुड़ के साथ जीरे का प्रयोग करना चाहिए। अतिसार में दही के साथ जीरा दिया जाता है। गर्भिणी में पित्तजन्य वांति में नींबू के रस के साथ देने से लाभ होता है। प्रसूता को देने से दुग्ध वृद्धि होती है। हिचकी में घृत के साथ इसका धूम्रपान बहुत उपयोगी है। इसको स्वर भंग एवं सर्प विष में उपयोगी बताया गया है। इसका बाह्य लेप पीड़ाहर है एवं यह अर्श, स्तन, अंडकोश तथा उदर की पीड़ा पर लगाया जाता है और घृत, मधु एवं नमक के साथ बिच्छू के काटने पर लगाने से लाभ होता है। इसके क्वाथ से स्नान करने से खुजली दूर होती है। इससे सिद्ध तेल का चर्म रोग में उपयोग होता है। आइए प्रसिद्ध नाड़ी विशेषज्ञ वैद्य सत्यप्रकाश आर्य जी से जानते हैं जीरे के घरेलू नुस्खों के बारे में। आज हम बात करते हैं जीरा, इसको जीरक भी कहते हैं संस्कृत में। जीरा जो है सर्वोत्तम औषधि है। आमतौर पर हम सब्जी में छौंक के रूप में इसका प्रयोग करते हैं, दाल में इसका प्रयोग करते हैं, जो उसके गुणों को बढ़ा देता है। विशेष इसका प्रयोग जिन महिलाओं को बच्चा होने के पश्चात स्तन से पर्याप्त मात्रा में दूध नहीं आता है, वे अगर महिलाएं
जीरे को पीस करके आधा चम्मच की मात्रा रोजाना पानी के साथ दिन में 3 बार लेते हैं तो प्रचुर मात्रा में दूध को बनाता है। बच्चे के शरीर में रोगों की हरण करने का भी ये काम करता है। जीरा चटनी के रूप में भी, अगर आप आलू की चटनी बनाते हैं वहाँ भी जीरा डाल लीजिए, पुदीने या धनिया की चटनी में अगर जीरा डालते हैं तो उसके गुणों को और स्वाद को ये बढ़ा देता है। जीरा यानी आपको सुस्वादु बनाने में, जैसे हम कहते हैं कोई भी भोजन अगर स्वादु है तो उसको कहते हैं अच्छे से पच जाता है, हमारी अच्छी दाल बनती है, इंसुलिन ज़्यादा बनता है, तो वो जीरा है जिसको आप अपनी जिह्वा को या जिह्वा की राल को या भोजन को सुस्वादु बनाने में प्रयोग कर सकते हैं। औषधि ज्ञान का यह एपिसोड आपको कैसा लगा हमें कमेंट द्वारा जरूर बताएं। आयुर्वेद के द्वारा सभी रोगों का घरेलू निदान जानने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। नाड़ी वैद्य सत्य प्रकाश आर्य जी से सभी प्रकार के रोग संबंधी परामर्श हेतु मिलिए रोजाना रोहतक में सुबह 5 बजे से दोपहर 12 बजे तक, दिल्ली बाईपास के नज़दीक हुड्डा सेक्टर 1 की दूसरी पुलिया के सामने नूर गार्डन के पास रोहतक हरियाणा, दिल्ली में दोपहर 1 बजे से 5 बजे तक नांगलोई मेट्रो स्टेशन के पीछे मेट्रो बाजार में नांगलोई दिल्ली। अग्रिम बुकिंग के लिए संपर्क करें 8595299299, 7428299299, 9555660044।